अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम अभी हाल उठे हैं, जिसमें टाइम हो रहा है 2 बज रहा है दिन का, दोपहर का। और हम लोग अभी उठकर बस चाय पी रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने अपने कामों पर। जैसे कि मैं चला जाऊंगा और राशन घर का लाना है इन्हें, जैसे मेरे लिए ये ब्राउन राइस लाएंगी और ऑलिव ऑयल लाएंगी मेरे ऑमलेट वगैरह के लिए। इसके जो मेरी डाइट से रिलेटेड सामान है वो भी इनको लेके आना है, तो मैं इसी वजह से इनको आज भेज रहा हूँ। और आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ भोपाल में, 12-3, 3.5 डिग्री का हो रहा है परसों, और कल 10-10 डिग्री 9 डिग्री का, जो से काफ़ी सर्दी थी, कहीं जाने आने का दिल नहीं चाह। और फिर हमने हीटर लाए और उसको हमने बेहतरीन रूम में रखा, जब ताकि थोड़ी राहत मिली, थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला, थोड़ा सा उम्मीदें जागी कि हम हिल सकते हैं, डुल सकते हैं, रदाई से बाहर आ सकते हैं, वरना अदरवाइज हमारा तो बड़ा बुरा हाल था। उन्हें अब 2 बिल्ली हैं बाहर दिख चुकी हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी घर के रूम में नहीं रहना चाहती हैं। वो उनको ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ घूम रही हैं और हम लोग उनको पकड़ पकड़ के परेशान हो चुके हैं, और ये अभी भी इसी की आवाज है कि हमें बाहर जाने दो। ये पीछे मिम्मी का बिस्तर लगा है, ये इधर इस टेबल को हमने फाइनली मिम्मी का जो है ना घर, लेकिन वो वहां नहीं सोती, वो हमारे पास सोने लगी है। ये गुड न्यूज है, अब हमें स्क्रैच नहीं करती, कुछ नहीं करती, वो हमारे पास ही रहती है, हमारे पास ही सोती है अंदर बिल्कुल दुबक। और आज देखते हैं आज के दिन कैसा जाता है। बस मैं 5 मिनट बाद अपनी शॉप पे पहुंच जाऊंगा और बाकी का ब्लॉग में देखता हूँ, अगर कुछ मुझे लगा तो मैं शूट करके आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा। बाय। यहाँ पे मम्मी की आंखें साफ कर रही थी मैं, और उसके बाद मार्केट गई थी थोड़ा सा इनका जो सामान लेना था, और वहाँ जाके कुछ शूट नहीं किया मैंने, और रात में आके भी कुछ शूट नहीं किया। फिर अब ये इसके बाद नेक्स्ट डे हो गया, और यहाँ पे मम्मी जो है सुबह सुबह उठ के मेरी गोद में आके बैठ जाती हैं रोज़, और ये तो सोते रहते हैं। फिर मम्मी को सुला के वापस मैं चाय बनाने चली गई। यहाँ पे मेरा गर्म पानी भी हो गया, चाय भी हो गई, तो अब चलते हैं जीशू के पास। और आज मैंने बनाए थे साबुदाना वगैरह, तो उसकी रेसिपी अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने साबुदाने को 12 घंटे के लिए भिगो के रखा था, आलू बॉईल कर लिए थे, प्याज, हरी मिर्च मैंने नहीं डाली थी, पिसी लाल मिर्च डाली थी, और ग्रेटेड जिंजर डाला था, और हरा धनिया ऐड किया था, और मसाले आप अपने हिसाब से डालें। उसके बाद हमने आलू और साबुदाने को अच्छे से मिक्स कर लिया, उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, फिर पिसी लाल मिर्च ऐड कर दी, और फिर हमारा जो प्याज थी और हरा धनिया, आप यहाँ पे हरी मिर्च डालना चाहते तो वो भी डाल सकते हैं, और अदरक। अब उन सबको अच्छे से हमने मैश कर लिया, मिक्स कर लिया, और यहाँ पे हमने मूंगफली के दानों को हल्का सा रोस्ट कर लिया था तवे पे, और उसको मिक्सी में एक बार चला लिया था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हल्का सा दर दर सा है, और फिर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे काफ़ी अच्छा कुरकुरा सा टेक्सचर आता है, खाने में भी अच्छा लगता है। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, और फिर मैश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी। तैयार है आपके वड़े, सॉस के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, एंड एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैंने लिखाई था आज में ग्रेट खली, द ग्रेट खली कर दें, पहले ग्रेट खली की आप लोग वीडियो देखें। लेट
लिपसिंग भी नहीं हो रही ग्रेट गली से यहाँ पर। तो अब मैं इनके कमेंट में जा रहा हूँ, किसी ने कमेंट करा है सर की असली करियर तो इंस्टाग्राम से स्टार्ट हुआ है। फिर किसी और ने कमेंट करा है कभी कभी लगता है आप ही भगवान है। जस्ट शिल पगलू सर पांच बार के सोफे में होल कर दो। सर अच्छा सा एक्सप्रेशन देकर अर्जुन कपूर का करियर खराब कर दो। सर उठ के भागो और दुनिया हिला दो। एक मिनट थोड़ा उठ के बैठेंगे। नहीं यार अब हद हो गई सर। अरे यार सर अपने घर वालों को मंगल पे फेंक दो और खुद भी चले जाओ और पूरी धरती को खा जाओ। भाई साहब अभी किस लाइन में आ गए। आज के लिए इतने, इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।